राम राम जी भाई, कैसे सारे मित्र, तो सारे लोग बड़े होंगे। आज 9 तारीख हम जा रहे हैं कल की जयंती में, ठीक है। वहाँ हवन वगैरह तो हो चुके हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। हमें अध्याप अड्डे पे, जैसा तुम देख सकते हो, बस निकलते हैं और सीधा वहीं मिलते हैं। प्रोग्राम तो चल रहा भाई अब भी। देखो अपने को तो रोक थोक है ना यहाँ, बाकी किसी का पता नहीं, ठीक है। मैं तो भाई के ऐसे घुसा देता हूँ अपनी। यू कैन सी मैं अंदर एंटर ले चुका हूँ और ये देखो भाई, प्रोग्राम तो बढ़िया यार, है ना, मजे आ रहे हैं, सही लग रहा है देखने में फिलहाल तो। बाकी आगे देखते हैं क्या है। तमाम कथाओं में उसका जिक्र करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। मैं आशा करता हूं शरद कृष्ण शास्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रज्वलन का पुनीत कार्य कार्यक्रम द्वारा करने के लिए, और आपसे आग्रह करूंगा उनका स्वागत किया जाए। जो जहाँ जगह मिले वहाँ पर बैठो, ऐसे भी क्षो सूर्यो अजाता श्रोत्रुष प्राण मुखाग्निराजाता। एक भक्त की भक्ति में देखो
कवि महान गीतकार, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए संतोष आनंद जी करके। और इस अवस्था में उपस्थित हैं, उनकी अवस्था लगभग 85 वर्ष की हो चुकी है। भारत का ऐसा कोई व्यक्ति जो आज 70 साल का है, 80 साल का है, 60 साल का है, 50 साल का है, 40 साल का है, 30 साल का है, कोई बचा नहीं होगा जिन्होंने जिसने उनके गीत न गाए हों। मैं पुनः ऐसे महान गीतकार का कल की धाम और कल की जयंती पर हृदय से स्वागत करता हूँ। और आपसे भी चाहूंगा कि ऐसे गीतकार के प्रति दिल खोल के ताली बजा करके स्वागत। शाम को बड़े कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी और अभिनंदन को भारत वापस लाया गया था। ऐसे पायलट अभिनंदन के साथ रहे विंग कमांडर एयरफोर्स के पुष्कर द्विवेदी हमारे बीच में उपस्थित हैं अपने साथियों के साथ। जोरदार तालियों से उनका पुष्कर द्विवेदी भारत माता का वो सपूत है जिनकी अभी कम से कम 10 वर्ष सेवा और थी, लेकिन उन्होंने सेवा से निवृत्ति ली, वीआरएस लिया और अपने कुछ साथियों के साथ जिसमें गौरव पांडे, वेद प्रकाश द्विवेदी, आलोक कुमार उनके साथ और ऐसे सैकड़ों साथियों के साथ मिलकर श्री कल्कि भगवान के नाम पर पूरे देश में श्री कल्कि सेना का गठन करने का फैसला लिया। जोरदार तालियों से विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी का स्वागत, एक बार और जोरदार तालियां। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं साहब, श्री कल्कि धाम के पवित्र प्रांगण में मैं जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र जी से कहूंगा, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी का पदार्पण हुआ है, जो कांग्रेस से सभी कल्कि भक्तों से कहूंगा खड़े होकर माने कुछ भी नहीं तेरी देवी कहानी है, तो क्या कदर तुम्हारा है। पहली तो चार बता भाई आधार नहीं रखा, कुछ पा करे खोना है, कुछ खो करे पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, दुनिया कुछ भी नहीं तेरी ये कहानी है, तो प्यार का रखवा ये फिल्म बनी। जो बीत गया है वो अब दौड़ा आएगा, इस दिल में सिवा के लिए कोई और आएगा। यदि हम
वाह, भूख दिया हमने अब राख उठानी है, दिल की और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी। भाई देख रहे हो लाइव में, लाइव भाई लाइव, इतने पास आग मुझे देखते हैं। इस आखिरी बंद के लिए भी एक बार ताली बजा दीजिएगा। वाह मतलब भाई आज भी का असली जीवन तो जवानी से प्रारंभ होता है। देखो और जब जवानी अब तो आई तो आप ऐसी होगी, बहुत से लोग के कर रहे होते तब आपके लिए तुम साथ चलो मेरा, तुम साथ चलो मेरा, चल जाओ मुझे आता है हर आग से वाकिफ हूँ, जल जा मुझे आता है हर आग से वाकिफ हूँ, जल जाना मुझे। वाह तकदीर के हाथों से, तकदीर बनानी यार, दुर्गा तालियों से स्वागत किया जाए दुनिया, तकदीर के हाथों से खराब खराब बनो खराब, तकदीर के हाथों से तकदीर बनानी है। देख रहे हो भाई, मतलब कलाकार कलाकार ही होता है भाई, क्या हौसला है ये, तकदीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जोरदार तालियों से संतोष आनंद जी का आभार व्यक्त किया। यार हम थोड़ा आगे बैठे हैं, तकदीर के हाथों से तकदीर बनानी है। एक बार पूरे पंडाल से गुजारिश करता हूँ, ऐसे दीपकार का मुखड़ा ना कभी एक प्यार का नगमा है, बहुतों की दवाई है, जल्दी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, बहुत बहुत आभार। एक बार पूरा पंडाल हाथ खड़े करके शिलान्यास में जो प्रधानमंत्री जी जब पधारे थे उसमें रात दिन एक करके हमारे गुलाबत जी ने अपना सहयोग कल्की धाम को प्रदान किया था, जोरदार तालियों से पुलिस प्रशासन के लिए जो उन्होंने सहयोग दिया उसका आभार व्यक्त करते हुए ये स्मृति चले। अरे भाई ताली कमजोर है, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था, मैं यहाँ था, यहाँ पे बिल्कुल इनके पास संतोष आनंद जी के पास बैठा था मैं, जब वो प्रस्तुति दे दी थी उन्होंने उसके बाद की बात है। अचानक से ये भरते हुए दिखाई देने लग गए, पूरे तन गए अच्छी तरह। मैंने एक भाई को बोला यहाँ पे जो व्यवस्थापक है, जो व्यवस्था में रहते हैं, मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई ये मुझे भारी लग रहे हैं कहीं नीचे ना गिर जाए। बोला ना ना ऐसा कुछ ना होगा, ये जो पानी रपट जाएगा अपने आप छोड़ दे रहा भर के। यहाँ सारा इलेक्ट्रिक का सिस्टम था, जैसे ये सबसे पहले ये वाला फटा ये सारे कोलम वोलम देख रहे हो सब गिर गए ऊपर से, फिर वो वाला फटा। उसके बाद भाई तुम्हें पता है कि पब्लिक भगदड़ सी मच जाती है। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई कटवाई, क्योंकि मुझे लगा ऐसा कि यार कहीं करंट वरेंट ना आ जाए। हालांकि दो लोग मना कर रहे थे कि माइक वाइक की व्यवस्था बनी रहेगी, पर मेरे दिमाग में जो चीज़ आई भाई मैंने वो करवा दी। और उसके बाद फिर जैसे ही तीसरा फटा, फिर चौथा फटा और उधर का एक फटा, तो उस करके भाई पूरे उसमें भगदड़ सी मच गई। पर यह कि चारों तरफ तुम देख रहे हो जगह बहुत खुली हुई है, तो यहाँ कोई ऐसी मुसीबत ना आ सकती है, लाइक समझ रहे हो कि कुछ किसी के ज़्यादा गंभीर चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी सारे पंडाल के बीच में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उधर की तरफ एक ऑप्शनल टीन पड़ी हुई है, उसके नीचे हम लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे एक बहुत तगड़ी बीटी हो गई, देखो सारा पंडाल फट गया, बार बार फट रहा था, मतलब बहुत गंदा सीन हो रखा है और यही फटने वाले हैं बस कुछ देर में, इसलिए यहाँ से भागना ज़रूरी है, अदरवाइज तो कुछ भी हो सकता है कभी भी। अभी इलेक्ट्रिक सप्लाई कटवाई थी बड़ी मेहनत से, पूरे पंडाल में हवा पार मच गया था अभी, बट अभी स्थिति वैसे कंट्रोल में है, किसी के कोई चोट वोट ना लगी है ज़्यादा, पर जितने भी लोग हैं सब सुरक्षित हैं, कोई ऐसे किसी को चोट ना लगी, बच गए सब। तो भाई यहाँ चल रहा है विंग कमांडर और आचार्य जी का मीडिया इंटरव्यू, न्यूज़ इंडिया 18 न्यूज़ इंडिया वन वाले आए हुए हैं, तो बाकी भाई जिला पंचायत संभल अनामिका यादव जी यहाँ आ चुकी हूँ जैसे तुम देख सकते हो, बाकी उन्होंने सारा सामान समेट दिया इलेक्ट्रिक का अपना, और भीड़ का हाल तुम देख सकते हो फिलहाल, भीड़ कैसी किस मुसीबत में, या कह लो या कैसी कह लो या भक्ति भाव में कह लो, और भीड़ की देखो तुम भाई किस तरीके से अपने डटी हुई है, अभी भी पंडाल छोड़ के जाने को राजी नहीं है कोई भी। ये हैं जिला पंचायत अध्यक्ष अनामिका यादव जी, ये हैं राजेश सिंह जी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बीजे पश्चिम उत्तर प्रदेश, बीच में खड़ी हैं माननीय गुलाबो देवी जी, आप राज्य मंत्री हैं जो रेड कलर वाले पीछे देख रहे हैं, यहाँ चल रहा गुरु जी का इंटरव्यू, और भाई बाकी भीड़ के हाल देख लेते हैं, बट अभी बारिश रुक गई है तो सब चीज़ें कंट्रोल में है इस टाइम। तो अभी हम आ चुके हैं अपने दैप अड्डे पर एजुकेंसी, तो यहाँ कुछ लोग हैं उनके साथ बातचीत चलती है, संतोष आनंद साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं ये, बहुत बड़े प्रशंसक हैं एक तरीके से कह सकते हैं, और ये भी इन्होंने बहुत गाने सुन रखे संतोष आनंद साहब के, तो जो मैं रिकॉर्ड करके लाया हूँ थोड़ी बहुत लाइव वीडियो वो इन्हें दिखाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन जाएंगे घर, तबीयत ख़राब है तो बाहर का कुछ खाना है नहीं, चाय पीने का मन था दूध खत्म हो गया दुकानों पर बारिश की वजह से, नसीब ख़राब है यार, इसमें हंसने वाली क्या बात है, हालांकि तू हंसेगा तो अच्छा ही लगेगा वैसे, मुस्कुराओ। सुबह दूध ख़त्म होने के बाद भी चाय बन गई, वो बनाने का तरीका ये था कि जो अमूल के पाउडर वाले पैकेट आते हैं हमने उनसे चाय बनवा दी, क्योंकि हमें थी ज़रूरत चाय की हर हालत में, तो वो एक इनका गुड गेस्चर कह लो, ठीक है, हमारी बातचीत कह लो या भाई अपनापन कह लो जो भी है, पर इन्होंने हमारे लिए चाय बनती है, हम सकते हैं बहुत बढ़िया चीज़ है।